पे इस काम के अंदर आए हो तो 25 साल हो गए। यहाँ इस जगह पे मैं 12 साल से घुरा रहा हूँ। इब्तदा मैंने शुरू की थी सुपर मार्केट से, जो बच्चे कागज चुनते थे या गाड़ियाँ धोते थे या आवारा चुनते थे, उनको अपने पास से मैंने काफ़ी कैंसर दी। कहीं किस वक्त मुझे लोग महसूस करते थे जब पता नहीं कहाँ से आ गया कौन है, तो बच्चे भी बल्कि नफरत करते थे लेकिन तो मैंने उनको काफ़ी कैंसर दिए, उनको बाहर अपने पास रखते थे। कल फिर इसको बताया जाता है एक दो दिन में इसको पढ़ना शुरू करें। अब भी ऐसे दुकानदारों और ऐसे मेरे शागिर्द हैं, उनको वेद पढ़नी आ गई है, उनको पढ़ना आ गया और हिसाब किताब आ गया, और वो दुकानदार भी जब लोग मुझे देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। इसलिए इनको बेचारों को कुछ पढ़ना नहीं आता था, फिर उन्होंने दुकानदारों ने भी उनको किताबें ले ली, यही आप पढ़ने जाए थे और शाम को मासा को एक घंटे के लिए यहाँ पर छोड़ देते थे। इनके अंदर भी ऐसे बच्चे हैं जो फूल बेचते हैं, सामने काम करते हैं, वो बच्ची दिन में सारा दिन घर में काम करती है, शाम से बस कुछ की नहीं पड़ती, गरीब बच्ची है, साफ बेचारा 600 रुपये लेता है, 6000 रुपये लेता है, उसको क्या बनता है। तो इसी तरह इसके दो भाई हैं, वो भी मेरे पास नहीं आते शाम को। ये सारे के सारे जो वो बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते, गरीब गुरबा है। मैंने पहले पता जब सुपर से शुरू की तो 9 नंबर स्कूल के पास में बैठ गया, ये बस्ती वाले कहने लगे मास्टर साहब आप तो वहाँ बहुत दूर हैं, हर कभी बात हो, यहाँ बच्चे भी हमारे हैं और यहाँ कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है। मैं यहाँ जिस वक्त आया तो उस वक्त इस बस्ती के अंदर चला गया, तो स्विच बोर्ड नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ना मेरा कोई फंड है, ना कोई लेना है, ना देना है, ना मेरी कोई NGO है, ना मेरी किसी NGO से कोई तल्लक है। पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो 2-3 दफ़ा मेरे पास आए हैं, उन्होंने बच्चों को काफ़ी पेंसिलें दी हैं, बाकी कोई ऐसा कोई फंड नहीं है कि जो मुझे कोई फ़ंड देते हैं या कोई और कोई महकमा या कोई और कोई ऐसा मुझे कोई इस किस्म का वो देते हैं, कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं देते। बारात वाले TV वाले भी बड़े आए, किसी ने अगर आया कि जी चलो जी 1000 रुपया दे दिया, किसी ने कुछ जी किताबें वगैरह ले लो या कुछ, प्रॉपर तौर पर ये नहीं है। जिसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों को अपील किया कि जी मेरे पास ये स्टूडेंट जो मेरे पढ़ाते हैं, इनके माँ बाप कहते हैं मास्टर साहब आप तो हैं फारिग, इन बच्चों को भी हमारे को लेके बैठ जाते हैं और इनका टाइम ज़ाया होता है और ये यहाँ पर आपके पास वक्त ज़ाया करते हैं, तो इनको कुछ दिया लिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है दिया लिया। तो मैंने कितनी मतलब बहुत सारे लोगों को अखबारात में कहा, TV पर कहा और जगह कहा कि कोई है ऐसा बंदा या कोई ऐसी NGO या कोई ऐसा इदारा जो इनको प्रॉपर तौर पर कोई मंथली दे सके, कोई मंथली पैसे दे सके या कोई ऐसी मेरे साथ को मदद हो जाए कि मैं इनको कुछ दे दूँ और ये मेरे साथ पढ़ाते रहें और शौक से पढ़ाएं। अब कई दफ़ा किसी की मर्ज़ी होती है, घंटा पढ़ाया, 2 घंटा पढ़ाया, तो मैं देता लेता तो कुछ नहीं, ना मर्ज़ी से अगर चले जाए तो मैं उनको रोक तो नहीं सकता। फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे? कहाँ पे पढ़ रहे? मैं अच्छा सही, तो यहाँ पे कब से? 10 साल हो गए पढ़ाते हो? पहले से शुरू किया था, दो मेरी बहनें भी, एक भाई भी पढ़ा, मेरा भाई ने छोड़ दिया था, दो बहनें मेरी अभी पढ़ रही हैं, एक सेकंड ईयर में और एक 8वीं में अभी पेपर दे, तो शाम के टाइम सर भी जाते हैं पढ़ाते हैं, तो कुछ भी नहीं मिला कोई ऐसी है। और मतलब पेंसिल की भी ज़रूरत हुई या किसी चीज़ की भी, तो हमने सर से कहा, उन्होंने हमारी यही पढ़ाई पूरी की है, चाहे वो बड़ी है चाहे छोटी है। जब मैं स्कूल में एंटर हुई, मैंने अपनी इब्तदाई तालीम इस स्कूल से हासिल की है, मैं BA की स्टूडेंट हूँ और मेरी जो तालीम का खर्चा है वो सारा उठा रहे हैं, जो भी फीस होती है वो सारा अदा करते हैं। मैं 3 साल की थी जब मैं इधर आई थी, और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरा सारा बचपन इसी स्कूल में गुजरा है, और मैं मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे उस्ताद की स्टूडेंट हूँ जिनकी पूरी ज़िंदगी इसी तरह बच्चों को तालीम देते हुए गुजर रही हूँ। बच्चों से जो है ना दूर नहीं रह सकते, एक दिन भी अगर दूर रहेंगे ना तो ये बीमार पड़ जाएंगे। तो अभी जो है आप क्या करते हैं, जॉब वगैरह भी कर रहे हैं? जॉब तो साथ ही कर रहे हैं। अच्छा, वहीं भी कर रहे हैं आप जॉब? ठीक है सही। और यहाँ से ही पढ़ा सारा कुछ जो है, सारी पढ़ाई? तो अभी यानी कि आप यहाँ पे आगे बच्चों को पढ़ाते हैं? और अगर पढ़ाई वगैरह ना की होती तो जॉब वगैरह या वो सारा सिलसिला जो आज आप हैं वो हो जाता वैसे? वैसे कहाँ? अच्छा, अब इनके बच्चे आ रहे हैं, ये बच्चों को छोड़ने के लिए आया है। बच्चे हैं इसके, कितने बच्चे हैं भैया? अब मेरे 3 बच्चे हैं,
तो अभी यानी आप जॉब कर रहे हैं? जॉब। और अगर ना पढ़ते तो आपको जॉब मिलनी थी? नहीं, बहुत मुश्किल है क्योंकि तालीम के बगैर तो कोई चीज़ मुकम्मल नहीं ना होती। अच्छा, तो ये यहाँ से जो आपको पढ़ा है उसी की वजह से आज आप? उसी की बदौलत हम इसको कितना सुपरवाइजर की ड्यूटी दे रहे हैं। अगर ना दे रहे होते तो इस वक्त बेकार ही कहीं बैठे होते। तो आप चाहते हो कि यानी कि पढ़ाई जो है वो सारे बच्चों को जो है? हाँ जी, पढ़ाई पढ़ाया जाए मुकम्मल ही नहीं।